हे गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप फ्री में प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हो बिना कोई मंथली चार्ज दिए हुए। दोस्तों, हाँ, यही आज की अपडेट है। तो दोस्तों, क्या होता है अदर डिटेच कंपनी में, अगर आप कोई दूसरा डिटेच कंपनी है सेंड डायरेक्ट छोड़ के, तो उसमें आपको जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होता है उसका आपको मंथली चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, जो भी कुछ उनका 50 रूपए 100 रूपए मंथली चार्ज रिकॉर्डिंग का करना पड़ता है दोस्तों, पेड करना पड़ता है आपको, तो ही आप रिकॉर्ड करते हो। लेकिन सन डायरेक्ट अपने कस्टमर को हमेशा ही सस्ता प्लान देते हो, सबसे सस्ते पैकेज उनके ही है दोस्तों, तो उन्होंने ही रिकॉर्डिंग भी फ्री कर दी है दोस्तों। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो हर मूवी हर चैनल का, कौन सा आपको जो रिकॉर्ड करना है आपके हिसाब से कर सकते हो। सिर्फ अपने पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए और उसकी मेमोरी कम से कम 8 से 16 GB होगी तो भी चलेगा, और आप उसके बाद रिकॉर्ड करके आपके मन के हिसाब से आपको जब टाइम मिले तो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर जाके मैं सब समझाने वाला हूँ दोस्तों, चलते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए दोस्तों टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो आपको सब बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए रिमोट में, यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का बटन है या स्टॉप का बटन है। आपको जितना रिकॉर्ड करना है उतना करने के बाद आपको बाद में ठीक से दिखाना नहीं रहा है दोस्तों। हाँ, देख सकते हैं, बाद में आपको रिकॉर्ड करना है और बाद में जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो स्टॉप करना है, वो आप मैं सबको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमको पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें पेस नहीं होता है दोस्तों। हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं दोस्तों, तब तक प्लीज आप कौन सा डीटीएच यूज करते हैं वो कमेंट में बताएं, लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं हमने पेन ड्राइव लगाने के बाद ऐसा कुछ एरर आ रहा है, फाइंड स्टोरेज, तो पेन ड्राइव कनेक्ट हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं रिमोट दिखाता हूँ, आपको मेनू बटन प्रेस करना है दोस्तों, सॉरी रिकॉर्ड बटन प्रेस करना है। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, देख सकते हैं रिकॉर्ड टाइम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, और नहीं तो बिगिंग रिकॉर्डिंग करने के बाद आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। देख सकते हैं बिगिंग रिकॉर्ड, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं साइड में रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम दोस्तों। अभी मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जितना चाहिए जितना रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री दोस्तों, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो अभी मैं बस करता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं अब मैं जैसे स्टॉप बटन दबाऊंगा तो देख सकते हैं टीवी पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, आपको ओके करके सेव कर देना है, अगर आगे करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने सेव कर दिया दोस्तों, तो अभी फाइनली आपको जो रिकॉर्ड प्रोग्राम है वो कहाँ देखने को मिलेगा, ये सबसे पहली बात है। तो मेनू बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, और आपको जाना है मीडिया प्लेयर में, देख सकते हैं स्टोर में से मीडिया प्लेयर, उस पर ओके करने के बाद देख सकते हैं डीडी सह्याद्री, जो मैंने प्रोग्राम एडिट किया उसका टाइमिंग आ गया, और उस पर आपको ओके करना है तो वो चालू हो जाएगा। अभी आपको जूम करना है, मतलब फुल स्क्रीन देखना है, तो देख सकते हैं वहाँ 3 लिखा है, आपको रिमोट से 1 2 3 कीपैड वाला जो 3 नंबर का बटन है तो वो दबा के उसका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों, आप आगे भी ले सकते हो, पॉज कर सकते हो, फॉरवर्ड रिवर्स सब कर सकते हो। तो ये छोटी सी आप